नहीं बोलो हेलो गाइस, उधर 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 हेलो गाइस। अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और देख ही सकते हैं कितना जो है बज रहा है। ये व्लॉग थोड़ा सा अलग है क्योंकि आज का ये व्लॉग है मेरा ट्राइपॉड को लेकर। मेरे पास ऑलरेडी दो ट्राइपॉड है और मैं ऑलरेडी और एक ट्राइपॉड ऑर्डर दे चुका हूँ, क्योंकि ये जो दोनों ट्राइपॉड है ना, इसका देख ही सकते हैं ये जो हैंडल वाला है ना, ये टूट चुका है। और साथ ही इसको थोड़ा सा जो है सॉल्यूशन निकाल कर, इसका ट्रिक लगा कर ये चल रहा था, लेकिन ये जो अभी सेट करने पर क्या हो रहा है कि ये थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम हो जा रहा है। इसीलिए जो है मैं सोच रहा हूँ और एक ट्राइपॉड खरीदने का सोच भी रहा था और मैंने ऑर्डर भी दे दिया। आज से लगभग 2 दिन हो चुका है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ट्राइपॉड भी ख़राब। और ये मेरा लाइफ का सबसे पहला ट्राइपॉड है जो कि मैंने स्कूल लाइफ में, जो कि स्कॉलरशिप मिलता है उसी पैसे से मैंने इसको खरीदा था फर्स्ट। ये मैंने सोचा था कि इतना बड़ा होगा, इतना यानी ये जितना बड़ा होता है ना इस तरीके का, लेकिन ऑर्डर देने के बाद फ्लिपकार्ट पर मुझे मिला इतना, क्योंकि मुझे इतना नॉलेज तभी नहीं था। छत पर मैं वेटिंग कर रहा हूँ कि कब मेरे को फ्लिपकार्ट के द्वारा जो विश मास्टर होता है वो कॉल करे और मैं लेने के लिए चल जाऊँ। जो मेरा न्यू ट्राइपॉड आएगा लोकेशन पे मेरा आएगा, तो कब आता है उसके लिए वेटिंग तो करना ही पड़ता है, तो वेटिंग में करता हूँ फिलहाल, देखते हैं कितना लेट होता है। नहीं बोलो हेलो गाइस, उधर 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 हेलो गाइस, हेलो गाइस। हम लोग ट्राईपॉड खरीदने के लिए जा रहे हैं। वाह ठीक है ठीक है ठीक है। विश मास्टर को मैंने कॉल किया था तो उन्होंने बोला कि थोड़ा और लेट होगा, उसके बाद जो है हमारे लोकेशन पर वो आ जाएगा। तो थोड़ी देर और वेट कर लेते हैं, उसके बाद मैं जाऊंगा ट्राईपॉड को लेने के लिए। आ चुका है ट्राईपॉड तो मैं लेने के लिए जा रहा हूँ अभी। इधर आने में थोड़ा समय लगता है समझे। ठीक है ठीक, कोई बात नहीं। इधर एक तो दूसरा पार्सल रहेगा सब जगह, तो एक बार में जाना। ठीक है हाँ ठीक है। ये मिल चुका है ट्राइपॉड जो कि देख ही सकते हैं कितना बड़ा है, इसे घर जाके खोलेंगे। फाइनली मेरे हाथ में ट्राइपॉड है, तो चलिए इस चाकू से जो है इसका यानी इस ट्राइपॉड का अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। ये रहा ट्राइपॉड का पैकेट जो कुछ इस प्रकार का दिखता है, आप देख ही सकते हैं फ्लिपकार्ट से आया है, तो फ्लिपकार्ट का पूरी तरीके से जो है ब्रांडिंग स्टिकर वगैरह सब कुछ है। तो अनबॉक्सिंग करते हैं कुछ इस प्रकार से जो है, यहाँ पर ऊपर की साइड में कट करते हैं इस सील को कट आउट। ठीक है तो ये जो है टूट चुका है देख ही सकते हो यहाँ पर, इसका अनबॉक्सिंग फिलहाल कर लेते हैं। और ये रैप जो कि स्टिकर टाइप है इसको ओपन किया जाए, तो अभी ये हो रहा है ओपन। और फिर और एक है तो इसको भी ओपन करते हैं। सब्जी कटने का जो चाकू है उसी से मैंने अनबॉक्सिंग करने स्टार्ट कर दिया, फिलहाल कट भी नहीं हो रहा है। चलो कट हो चुका है, सिल को कट आउट करते हैं। और ये रहा डिजिटेक की तरफ से जो कि पहले है बिल, तो बिल वगैरह थोड़ा सा जो है एड्रेस पर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो एड्रेस को छुपाने के लिए मैं इसको साइड में अभी रख दे रहा हूँ, तो इसको रखते हैं फिलहाल साइड में। और ये रहा डिजिटेक जो कि ऊपर के साइड में लिखा हुआ है लाइट वेट DV ट्राइपॉड, मॉडल नंबर दिया हुआ है DTR550LW। तो इसको निकालते हैं, इसको ये रहा निकालते हैं। चलिए ये देखिए निकल चुका है, और निकलने के बाद अरे अरे बिल भाग जा रहा है, इधर साइड लगते हैं इसको। सामने की तरफ अगर आप देखते हो तो ऊपर में ये लिखा हुआ है डिजिटेक, ठीक है, साथ ही लिखा हुआ है लाइट वेट DV ट्राइपॉड। थोड़ा सा यहाँ पर जो है ये कट हो चुका है, ठीक है, तो स्क्रैच लग चुका है और कुछ इस प्रकार का दिखता है, जो कि और भी साइड की तरफ आपको दिया गया है किस तरीके से जो है इसको इस्तेमाल करना है, साथ ही कितना जो है डिजाइन वगैरह है, तो सब कुछ डिटेल है पैक के अंदर। इसका मिनिमम मैक्सिमम जो साइज है वो 5 kg के आसपास है लगभग, तो इसको ओपन करते हैं। हाइट वगैरह सब कुछ मेंशन किया हुआ है, तभी फिलहाल बॉक्स को ओपन करते हैं और बिना देरी करे। तो ये रहा बॉक्स, बॉक्स को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ये रहा रैप, ठीक है, तो रैप को ओपन करते हैं। रैप जो कि प्लास्टिक का रैप है और भारी भी है पहले से,
मेरा और एक तो ट्राइपॉड है तो उससे बहुत ज़्यादा भारी है। ये रहा, खोल दिया मैंने। इसको पैकेटिंग भी देख सकते हैं किस प्रकार से किया गया है। लगभग ठीक ठाक ही, मैं पैकेटिंग का ठीक ठाक ही बोलूँगा, पैकेटिंग लगभग ठीक ठाक ही है। तो इधर ओपन करते हैं फिर से, और पैकेटिंग जो प्लास्टिक का पॉलिथीन दिया गया है उसके बाद आपको देखने के लिए मिल जाता है ये वाला जो पार्ट है, बैग टाइप का कुछ दिया गया है जो कि आप कैरी कर सकते हैं अपने कंधों में। ये रहा कैरी करने का जो रहता है लगाने वाला हैंड के ऊपर। तो ये चेन खुला हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है। तो अभी देखते हैं, ओपन करते हैं इसको, ज़्यादा खुला नहीं है। तो ये रहा चेन, इसको ओपन करने के बाद ये रहा फाइनली ट्राइपॉड फिर से रैप। इसको हटाते हैं, चलिए। ये रहा बैग वगैरह, ये देखिए इसको ओपन, चलो ओपन करते हैं फिर। रैप में मुड़ा हुआ है, इसको ओपन करने के बाद अरे रैप उड़ जा रहा है। तो कुछ इस प्रकार का दिखता है, ये देखिए कितना बड़ा है। ये जो हेड है ना, इसका हेड माना जाता है, यही पर लगता है, आप लोगों को पता होगा। तो ये बहुत ही बड़ा है और देखने में तो बहुत ही खूबसूरत है, मुझे तो फाइनली खूबसूरत ही लग रहा है। ब्लैक कलर का है, थोड़ा सा स्क्रैच है लेकिन ठीक है, फिर चल जाएगा। इसको फिर ओपन किया जाए, क्या बोलते हैं, यानी खोला जाए इसको। तो ये खुल चुका है, अब जो है आपको मैं सामने से दिखा देता हूँ। ये रहा इसका हेड पोज, ठीक है। ये किस तरीके से खुलता है मुझे भी देखना होगा, क्योंकि बड़ा ट्राइपॉड मैंने यूज़ मैंने नहीं किया। तो फिलहाल इसके अंदर तो थोड़ा सा नीचे, और ये देखिए हैंडल, इसको घुमाना पड़ता है, उसके बाद ये उठ जाएगा। तो फिलहाल उठा लेते हैं इसको और उसके बाद आपको सिनेमेटिक शॉट्स दिखाते हैं। ट्राइपॉड है ना, इसका हाइट आप लगभग देख सकते हैं कितना ऊपर है, मेरे से थोड़ा सा बड़ा है। तो इसका हाइट लगभग बोल सकते हैं 5 फुट 10 के करीब इसका हाइट है, जो कि बहुत ही हाई माना जाता है। मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा ये ट्राइपॉड, अभी फर्स्ट लुक के अंदर ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो देख ही सकते हैं कितना बड़ा हुआ है, और ये जो थ्री लेग्स है साइड में लगाने का कुछ है जो कि आप रख सकते हैं कुछ भी। तो ये फिलहाल ट्राइपॉड का हाइट है, और ट्राइपॉड को मैं और भी ज़्यादा यूज़ करूँगा, उसके बाद देखूँगा कि किस तरीके से इसका जो है काम करता है, काम करने के जो भी प्रोसेस है, आपको लेना चाहिए या फिर नहीं, वो तो मेरा मेन चैनल के अंदर वीडियो आएगा। ट्राइपॉड मैंने न्यू खरीद लिया, तो आप लोगों ने देखा जो कि मैंने यूट्यूब मनी से ख़रीदा। तो इसी खुशी पर, इस ट्राइपॉड के अनबॉक्सिंग खुशी पर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो उनको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलें। मिलता है अगले किसी ब्लॉग पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।